अरे यार ये जगह तो मतलब अनडिस्कवर्ड है, ये जगह तो मस्त है फोटोशूट के लिए और मस्त जगह है गाइस, क्योंकि कितना मस्त सनसेट हो रहा है। और मुझे पता नहीं था कि दुर्गापुर में कितना अच्छा बैकएंड जगह है, अननोन प्लेस डिस्कवर्ड और फाउंड इन दुर्गापुर। जैसा कि देख सकते हो पीछे सनसेट हो रहा है और चारों साइड जैसा कि देख सकते हो पूरा खाली है, कोई भी नहीं है। जैसा कि आप देख ही सकते हो मेरा बाइक पे गाइस गिर रहा होगा ऑरेंज टिंट मतलब। और जैसा कि गाइस देख सकते हो, गाइस एक बार व्यू देखो आप लोग, गाइस मस्त व्यू है, मतलब इतना मस्त जगह है ना। मुझे सच बोला मुझे पता नहीं था कि दुर्गापुर में इतना मस्त जगह है। और सबसे अच्छा बात है कि जैसा कि देख सकते हो पीछे ही हो रहा है ब्यूटीफुल सा सनसेट। ऐसे थोड़ा सा शाम को निकले थे टहलने, मतलब देखो हम बाइकर्स और राइडर तो टहलने नहीं निकलते ना इवनिंग वॉक पे, हम निकलते हैं टहलने इन द सेंस दैट वी मेक आवर टाइम फ्री एंड देन वी गो फॉर अ इवनिंग राइड। स्मॉल राइड हो या बड़ा राइड हो डजेंट मैटर, बट वी गो फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर इनर सोल। हम लोग अपना सोल को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग बोल सकते हो स्मॉल राइड करते हैं। और आज को बहुत ही प्लेजेंट हवा है गाइज, मतलब ये जो प्लेजेंट हवा है ना इसका मैं आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि गाइज अभी थोड़ा देर पहले ही हुआ है मतलब हेवी रेनफॉल। और रेनफॉल के बाद आज जब सब कुछ थोड़ा ड्राई हो जाता है और इवनिंग का टाइम आता है तो एक मस्त ठंडा ठंडा हवा चलता है। आई गेस हर कोई आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे ये चीज़, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ऐसे ही शाम को निकल पड़े हैं। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो ये है हेमसिला स्कूल और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी व्लॉग कर दिया है, आप लोग अगर देखे हो तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि यहाँ का जो बोल सकते हो जो व्लॉग करने का मतलब जहाँ पे हम लोगों ने व्लॉग है। सो गाइस जैसा आप देख सकते हो मेरा राइट हैंड साइड पे है हेमसिला स्कूल और मैं ऑलरेडी स्कूल का व्लॉग कर चुका हूँ, क्योंकि गाइस क्लास 10 और 12 में मैं यहीं पर मेरा बोर्ड्स का सेंटर पड़ा था, तो ऑलरेडी ये वाला जगह हम मैंने बहुत मिस करता हूँ बोल सकते हो, ये हेमसिला वाला जगह इतना मिस करता हूँ ना, क्योंकि एक अलग से एक्साइटमेंट रहता था कि क्लास 10 12 का बोर्ड एग्जाम के टाइम, ठीक है। तो वो एक्साइटमेंट आप लोग पता नहीं रिलेट कर पाओगे कि नहीं मेरे एक्सप्रेशन से, बट अलग टाइप का एक्साइटमेंट होता था। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो मैंने लेफ्ट इंडिकेटर देखे और एक ऐसा बंजर सा रास्ता में घुस चुका हूँ, पता नहीं मतलब ये कौन सा रास्ता है, ठीक है। जैसा कि आप मेरे चारों साइड देख ही पा रहे होंगे कि मस्त व्यू है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे खड़ा हो जाता हूँ आप लोग देख पाओगे, मस्त व्यू है गाइस, मतलब ऑसम व्यू है। और बाइक में थोड़ा ऑफ रोडिंग में सेडलिंग कर रहा हूँ। अरे यार ये जगह तो मतलब अनडिस्कवर्ड है, ये जगह तो मस्त है फोटोशूट के लिए और मस्त जगह है गाइस। अरे वाह मुझे तो पता ही नहीं था गाइस ये वाला एक तो मतलब बैकएंड जगह है दुर्गापुर में। अरे भाई मस्त जगह है यार, मस्त व्यू है, मस्त अच्छा फोटोशूट भी हो सकता है और कितना मस्त गाइस पीछे सनसेट हो रहा है। सो गाइस आप वीडियो में देख ही पा रहे हो कि कितना मस्त सनसेट हो रहा है। और मुझे पता नहीं था कि दुर्गापुर में कितना अच्छा बैकएंड जगह है, अननोन प्लेस डिस्कवर्ड और फाउंड इन दुर्गापुर। जैसा कि देख सकते हो पीछे सनसेट हो रहा है और चारों साइड जैसा कि देख सकते हो पूरा खाली है, कोई भी नहीं है। जैसा कि आप देख ही सकते हो मेरा बाइक पे गाइस गिर रहा होगा ऑरेंज टिंट मतलब सनसेट का ऑरेंज टिंट गिर रहा है। और मस्त जगह यार, मुझे खुद भी नहीं पता था कि इतना बैकएंड जगह चारों साइड है दुर्गापुर में। चलो एक बार मिलते हैं फेस टू फेस पे हो, सामने हो रहा है एक ब्यूटीफुल सा सनसेट गाइज, क्या बोलूँ, पता नहीं गोप्रो जस्टिस कर पाएगा कि नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और मुझे गाइज जैसा कि देख सकते हो गाइज मैं वो अबंडेंट प्लेस पर आया हूँ, मुझे पता नहीं था कि गाइज दुर्गापुर में कितना सा मतलब बोल सकते हो इतना मस्त वैकेंट एरिया है और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पे। और जैसा कि देख सकते हो उस दूर पर मैंने अपना बेबी लाइट को खड़ा करवाया है। और गाइज सच बोला मुझे पता नहीं था कि मतलब दुर्गापुर में एक इतना सा एक मस्त वैकेंट एरिया है जहाँ पे मस्त फोटोशूट कर सकते हैं हम लोग आके, और कितना मस्त ग्रीनरी है, चारों साइड पूरा हरियाली है। और जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी जम गया है रास्ता में, और जैसा कि देख सकते हो मैंने आपको बोला था ना कि बरसात हुआ है, तो जैसा कि देख सकते हो तो थोड़ा पानी जम गया है। तो ये बोल सकते हो ये रास्ता मस्त है गाइस, मुझे पता नहीं था कि इतना मस्त जगह है दुर्गापुर में, मतलब इतना वैकेंट जगह, और वो भी कहाँ पे, जहाँ पे मतलब हेमसिला स्कूल है उसका जस्ट अगर आप रोड से सामने आओगे तो सामने आते आते आपको एक दूर पे वो टावर दिखेगा, वाटर टैंक दिखेगा, तो उस वाटर टैंक के सामने अगर आओगे तो आपको लेना है लेफ्ट, और लेफ्ट आके आप आ जाओगे अबंडेंट प्लेस पे। गाइस जैसे एक बार व्यू देखो गाइस, मैं लिटरली बोल रहा हूँ आप लोग जो लोग दुर्गापुर से मेरा ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं एक बार आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग गाइस यहाँ पे आओ, मस्त व्यू है, मतलब ऑसम व्यू है। और चारों साइड आप देख ही रहे हो कितना मस्त हरियाली है। तो चलो मैं आप मेरे साथ ब्लॉग करते करते चलो, और आप लोग भी थोड़ा फील करो वीडियो में। गाइस मस्त व्यू है, और वो जो पीछे का जो गाइस माउंटेन और जो बोल सकते हो माउंटेन टाइप का जो मतलब ट्रीज दिख रहा है, ऑसम व्यू है। मुझे सच में नहीं पता था कि दुर्गापुर में इतना पास में एक मस्त जगह है, पता नहीं ये जगह कितना दिन खाली रहेगा, हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट बना दे या कंस्ट्रक्शन का कुछ काम कर दे, यू नेवर नो। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो, चलो आप लोगों के साथ ब्लॉग करते करते मैं जा ही रहा हूँ,
और बाल तो ख़राब हो ही जाता है हेलमेट पहन के, हम बाइकर्स राइडर का तो यही दिक्कत है। और जैसा कि देख सकते हो गाइस दूर में कितना मस्त ग्रीनरी है, मतलब चारों साइड में, बोल रहा हूँ ना आप लोग यहाँ पे आओ। मैंने आपको लोकेशन भी बता दिया है, हेमसिला स्कूल के जस्ट सामने आओ, आपको दिखेगा एक वाटर टैंक, वहाँ से आपको एक रोड दिखेगा, ऑफ रोडिंग चैलेंजिंग रोड है, और वहाँ से आपको लेफ्ट लेना और आ जाना है। और जैसा कि गाइस देख सकते हो गाइस एक बार व्यू देखो आप लोग, गाइस मस्त व्यू है, मतलब इतना मस्त जगह है ना, मुझे सच बोला मुझे पता नहीं था कि दुर्गापुर में इतना मस्त जगह है। और सबसे अच्छा बात है कि जैसा कि देख सकते हो पीछे ही हो रहा है ब्यूटीफुल सा सनसेट, तो ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, और मतलब एक मस्त नेचर्स का व्यू है, चारों साइड पूरा ग्रीन ग्रीन एरिया है, और दूर पे वहाँ पे ट्रीज दिख रहा है, अच्छा भी लग रहा है देख के, मतलब मस्त लग रहा है। और होप करता हूँ कि आप लोग मेरा ये जगह जो मैं इसको फाइंड किया हूँ, पता नहीं इस जगह पे कोई वीडियो बनाया होगा कि नहीं, एज अ ब्लॉगर और एज अ मोटो ब्लॉगर, आपको मैं पहले ही बता दूँ कि मैं मोटो ब्लॉगिंग भी करता हूँ, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग दोनों करता हूँ, तो एज अ ब्लॉगर मैंने ये जगह को फाइंड किया है, ठीक है। और पता नहीं कोई और इंसान या कोई आदमी यहाँ पे आके ब्लॉग किया है कि नहीं, लेकिन आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन हु हैज़ डन ब्लॉग हेयर। तो फाइनली गाइज आज को मैंने फाइंड कर लिया एक अबंडेंट प्लेस इन दुर्गापुर, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे आगे के, मस्त सनसेट होता है, मस्त व्यू है, और चारों साइड पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी एरिया है, तो मस्त लगा यहाँ पे आके। और होप करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे आओ। तो चलो थोड़ा सा ऐसे ही मैं बैठता हूँ अकेले, जैसा कि देख सकते हो चारों साइड कोई भी नहीं है, और सिर्फ मेरा पीछे मेरा बाइक प्यार लाइट है और कोई भी नहीं है, देख जैसा कि मेरे आगे पीछे देख ही सकते हो कोई नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठूंगा, टाइम पास करूंगा अकेले अकेले, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जाने का टाइम आ चुका है और लाइट को स्टार्ट कर लेंगे। और गाइस सच में अच्छा लगा, मतलब मैं नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे आऊँगा तो अपना फ्रेंड्स लोग को भी बोलूँगा कि भाई तू लोग आ और मज़ा मस्ती कर थोड़ा सा। और यहाँ पे थोड़ा पानी जमा हुआ है तो थोड़ा सा आराम से जाना है, और रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। और सेटलिंग करते करते थोड़ा सा ऐसे ही आ गए हैं, और मस्त रोड था गाइस, जैसा कि आप एंट्रेंस का भी रोड देख सकते हो, लग रहा है ना कि कहीं पे ऑफ रोडिंग करने आए हैं, प्रॉपर ग्रीन ग्रासलैंड में, और मस्त जगह है गाइस, जैसा कि आप देख ही सकते हो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में, मैं रुक के आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि देख सकते हो गाइस कितना ग्रीनरी एरिया है, बोल रहा हूँ ना ऑसम व्यू है गाइस, यहाँ पे तो एक फ़ोटो बनता है यार, क्या वीडियो सेव करें थोड़ा सा गाइस, जस्ट लुक एट इट मैन, मुझे खुद ही नहीं पता था कि इतना मस्त जगह है यहाँ पे, हेमसिला स्कूल के जस्ट बगल में, जैसा कि देख सकते हो पूरा ग्रीनरी एरिया है, जैसा कि आप मेरा चारों साइड देख ही सकते हो, और क्या मस्त व्यू आ रहा है गाइस। एक बार चलो एक फ़ोटो क्लिक करते हैं और थंबनेल, आप जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैंने फाइंड किया है एक अबंडेंट प्लेस इन दुर्गापुर, जिसका व्यू तो गाइस मस्त है, लगेगा कि आप पता ही नहीं, आप लोग बिलीव करोगे कि नहीं, ये प्लेस लगता ही नहीं कि दुर्गापुर में ऐसा भी प्लेस हो सकता है। तो मैं कहीं थोड़ा सा मैं बैठा, अपने आप को चिल आउट किया, अकेले अकेले बैठा, जैसा कि देख सकते हो मेरा चारों साइड में कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ और मेरा प्यार लाइट है। तो मैं आपका बोलना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आओ, विजिट करो, ऑलरेडी मैंने एड्रेस इंट्रो में बता ही दिया था। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे रैप अप करेंगे, क्योंकि इतना मस्त व्यू है तो वीडियो यहीं पे खत्म करना बनता है। तो चलो गाइस साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय टुडेज ब्लॉग, सो गाइस राइड सेफ, राइड हार्ड, अर्न मनी, बी हैप्पी, चीज योर इवन, मेक अदर्स हैप्पी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड मैं सोशल मीडिया हैंडल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो गाइज मजा आ गया यहाँ पे आके, और अब यहाँ से निकल जाएंगे, और कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी सनसेट पूरा हो ही चुका है। तो होप करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ गाइज मेरा व्लॉग को सपोर्ट करो, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा व्लॉग को कंप्लीटली देखो, एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।